हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर ज्योग्राफी प्रैक्टिकल एंड थर्ड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। हमने कंप्लीट करा था इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा। हम प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अंदर मैंने जो जो सोर्सेज बताए थे वो कम्प्लीटली लर्न होने चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 14 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा। फर्स्टली हमने अभी कंप्लीट करा, 14 क्वेश्चन कंप्लीट करे कि मतलब उसके अंदर वो वाइवा के भी क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, और इसमें सॉरी उन्हीं के अंदर से रिटन क्वेश्चन भी आएंगे, वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी हो सकते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा। हमने प्राइमरी सोर्स बताया था कि हमने खुद ने जाके इंटरव्यू लिया था, क्वेश्चन एरा तैयार करा था, ये सारे कंप्लीट हमने खुद ने किए थे। सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा बिल्कुल अपोजिट होते हैं प्राइमरी की सोर्सेज के। सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा कंसिस्ट ऑफ पब्लिश एंड अनपब्लिश रिकॉर्ड विच इंक्लूड गवर्नमेंट पब्लिकेशन डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट। सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा हमें कैसे मिलते हैं? दो सोर्सेज से मिल सकते हैं, एक तो पब्लिश और एक अनपब्लिश रिकॉर्ड से। इसके अंदर गवर्नमेंट जो पब्लिशिकेशन होते हैं वो डॉक्यूमेंट रिपोर्ट और इसके द्वारा हम प्राप्त करते हैं। फर्स्ट आता है पब्लिश्ड सोर्सेज। अब पब्लिश्ड सोर्सेज में गवर्नमेंट पब्लिकेशन आ सकता है, जिसके अंदर आता है द पब्लिकेशन ऑफ द वेरियस मिनिस्टर्स एंड द डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री होती है, वो सोर्सेज देते हैं, जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। अंडरलाइन कर लीजिए, इसके अंदर पब्लिश सोर्सेज के अंदर कौन कौन से सोर्सेज आते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट पब्लिश में कौन कौन से आते हैं? गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन होते हैं, जो कि सोर्सेज है सेकेंडरी इंफॉर्मेशन के। मेन चीज दीज इंक्लूड द सेंसेस ऑफ इंडिया। ये क्या क्या बताते हैं हमें, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं इनके? सबसे पहले तो हमें बताया सेंसेस ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि ऑफिस होता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया पब्लिश करता है ये पूरा डेटा। सो हमें इससे मिल सकता है। रिपोर्ट ऑफ द नेशनल सैंपल सर्वे, ये भी हम ले सकते हैं। वेदर रिपोर्ट्स और ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमें देता है। तो ये सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं जो हमें देते हैं कि सोर्सेज ऑफ डेटा कौन कौन से हैं, और वो हमें डेटा मिल जाता है तो हम उसका कंप्लीटली एनालाइज कर सकते हैं। सो यहाँ पर आ गया पब्लिश। अब आता है सेमी पब्लिश, जिसे कहते हैं, जिसके अंदर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती है या म्यूनिसिपलिटीज कॉरपोरेशन होते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन इसके अंदर आता है, 615 क्वेश्चन इसके अंदर से बन सकता है कि व्हाट आर पब्लिश सोर्सेज। अब गवर्नमेंट पब्लिश सोर्सेज में कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, ये क्वेश्चन वाइवा क्वेश्चन है आपका। इसके अलावा सेमी गवर्नमेंट में हमने यहाँ पे व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन, 16 क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आती है, जबकि सेमी गवर्नमेंट में म्यूनिसिपलिटीज, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ आती हैं। सो ये अंडरलाइन कर लीजिए। इसके अंदर 16 क्वेश्चन तक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिला परिषद, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल पब्लिकेशन। इंटरनेशनल पब्लिकेशन में आता है कि कंपनीज या बुक, रिपोर्ट्स और मोनोग्राफ्स पब्लिशर बाय द डिफरेंस एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब इसके अंदर यूएनओ, यूनेस्को, ये सारी यूएनडीपी, डब्ल्यूएचओ, इन एफएओ, इन सब डिपार्टमेंट के द्वारा जो डेटाज मिलते हैं वो सारे इंटरनेशनल पब्लिकेशन कहलाते हैं। इंटरनेशनल पब्लिकेशन में याद रखिए, जो यूनेस्को है, यूएनडीपी है, डब्ल्यूएचओ है, एफएओ है, इनके द्वारा जो बुक्स से स्टैटिकल डेटाज मिलते हैं वो हम कम्प्लीटली इसमें सोर्सेज में ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्राइवेट पब्लिकेशन में, अंदर आता है डेली न्यूज़पेपर, याक बुक आती है, सर्वे आता है जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा किया जाता है, रिसर्च रिपोर्ट आती है, मोनोग्राफ पब्लिश होता है जो कि न्यूज़पेपर और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की जाते हैं, इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। स्टूडेंट अंडरलाइन कर लीजिए, व्हाट आर द 17 क्वेश्चन आपका इसके अंदर से बन रहा है। व्हाट आर द इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, कौन कौन से, हाउ मेनी पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन,
इसके अंदर ये आ सकता है इन पब्लिकेशन। और नेक्स्ट आता है हमारा 18 क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट पब्लिकेशन, इन दोनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है। इसके अलावा न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर क्या क्या आता है। तो यहाँ तक आपके 19 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि आप लोग वाइवा के तैयार कर सकते हैं। स्टूडेंट एक एक वर्ड पढ़वा रही हूँ, कंप्लीट आपको करना है, मुझे नहीं। नेक्स्ट आता है अनपब्लिश सोर्सेज। अब अनपब्लिश सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट आता है, सेमी गवर्नमेंट आता है और प्राइवेट आता है। सेम वही चीज़ें हैं, परंतु जो अनपब्लिश होते हैं वो बताया गया है। पब्लिश मतलब जो बुक्स में हमें मिल रहा है, पब्लिशर्स के थ्रू मिलता है। द अनपब्लिश रिपोर्ट मोनोग्राफ डॉक्यूमेंट्स आर येट अनदर सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। दीज डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन एज अनपब्लिश रिकॉर्ड एट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल द विलेज लेवल रेवेन्यू रिकॉर्ड मेथड। अब आपको पता है हर जगह के कुल अनपब्लिश सोर्सेज होते हैं, जैसे रेवेन्यू हर जगह का अलग अलग होता है। तो गाँव का जो रेवेन्यू होता है वो मेंटेन करता है पटवारी, ठीक है ना, रेस्पेक्टिव विलेज का, पूरा विलेज का वो पटवारी करता है। तो ऐसे ही हर जगह का अलग अलग ऑथराइज सेंटर होता है। सो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विलेज लेवल इंफॉर्मेशन। तो ये हर जैसे विलेज लेवल की हो गई, ऐसे ही स्टेट लेवल की हो जाएगी, ऐसे ही अर्बन एरिया की हो जाएगी। तो इसके अंदर जो सोर्सेज आते हैं अनपब्लिश में, वो वहाँ के जो एरिया होता है एरिया वाइज कवर किया जाता है। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होता है, गवर्नमेंट ऑथराइज करती है अपने नीचे डिपार्टमेंट को, उनके थ्रू होता है। ऐसे ही सेमी गवर्नमेंट रिपोर्ट, द पीरियोडिकल रिपोर्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट प्लान्स प्रिपेयर्ड मेंटेन बाय द डिफरेंट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इसके अंदर कौन से आ गए थे, गवर्नमेंट के, और इसके अंदर आता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो कि मैंने सेमी गवर्नमेंट में पहले भी आपको बताए हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या करती है, हर जगह की जो पीरियोडिकल रिपोर्ट या जो डेवलपमेंट की रिपोर्ट होती है वो बनाती है। तो इसको हम सेमी डेवलपमेंट, सेमी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स कह सकते हैं। सो 20th क्वेश्चन आपका यहाँ बन सकता है, डिफरेंस बिटवीन अनपब्लिक सोर्सेज बिटवीन गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट। सो यहाँ आ सकते हैं आपके ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। स्टूडेंट सोर्सेज तक इस लेसन के अंदर मैंने 20 क्वेश्चंस आपको बताए हैं। आई थिंक अगर आप उन क्वेश्चंस को लिखकर उनके आंसर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका प्रैक्टिकल में कोई भी डर नहीं रहेगा। सो यहाँ पर मेरा ये चैप्टर भी, ये वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि किस ढंग से हम टेबुलेशन क्लासिफिकेशन करते हैं और कौन कौन से प्रेजेंटेशन के मेथड होते हैं। सो अब मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।